आज के बाद इस राजघराने में उस लड़की का नाम नहीं लिया जाएगा। अब ये शादी नहीं हो सकती। वो लड़की तो राजमहल में आने से रही, तो क्यों ना अब आप शिवांगी के रिश्ते की बात छेड़े। बल्कि हम तो कहते हैं आप माता जी से बात कीजिए, और अगर एक बार शिवांगी राजमहल आ गई ना बेटा, तो ससुराल में आपकी शान दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। आपका दिल तोड़कर हम नया रिश्ता नहीं जोड़ सकते। आपकी रजामंदी के बिना हम इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वादा है हमारा आपसे, हम किसी और लड़की से अब शादी नहीं करेंगे। हम आपसे बहुत ही सीधी और साफ बात करने आए हैं। हमारे बेटे विशेष को आपके सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा है। हम उन्हें इतनी बड़ी भूल नहीं करने देंगे। आप हमारे बेटे की जिंदगी से निकल जाइए। हम आपसे बहुत ही सीधी और साफ बात करने आए हैं। हमारे बेटे विशेष को आपके सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा है। वो अपना भला बुरा देख नहीं पा रहे हैं। हम उन्हें इतनी बड़ी भूल नहीं करने देंगे। आप हमारे बेटे की जिंदगी से निकल जाइए। सॉरी राजमाता, मैं आपके इस फैसले का साथ नहीं दे पाऊंगी। फिर तो आप कनका संतान सप्तमी का व्रत ना ही रखें। माएं ये व्रत अपनी संतानों के लिए रखती हैं और संतान को मुंह मांगा उपहार देती हैं। कहीं विशेष ने कंचन को मांग लिया तो क्या करेंगी आप? दीदू, मैंने टिफिन ले लिया है और पापा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, उन्हें करवा दीजिएगा। ठीक है? ठीक है। और हाँ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा आज। बाय, सी यू। बाय। पापा, नाश्ता तैयार है। नहीं बेटा, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? आप क्यों नहीं खाओगे? पापा देखो, टाइम पर नाश्ता क्या करो, तो दवाई भी तो लेनी होती है ना। आज मेरा व्रत है। फास्ट? आप कब से फास्ट रखने लग गए? और वैसे भी आज कौन सा, आज तो माएं अपने बेटों के लिए व्रत रखती है, तो आज इस पापा ने अपनी बेटियों के लिए व्रत रखा है। भाई, सारा प्यार बेटों को ही क्यों? मुझे भी तो अपनी बेटियों की खुशहाली मांगनी है। अच्छा मौका है आज। वैसे आज इस पापा से जो मांगना है मांग लेना, और वो अपनी छुटकी को भी बता देना। सब मिलेगा आज। पापा, अपना बहुत ही क्यों? सॉरी, मैं कुछ नहीं होता, ये देख। पापा, लाइए माँ, क्या मदद करे बताइए हमें। रहने दे बेटा, सब हो चुका है। अरे ऐसे कैसे? अरे हाथ धोया? हाँ, हम जानते हैं आपको ये सब चीजें पसंद नहीं, धोकर आए हम। इसमें मीठा तो ठीक है ना? सॉरी माँ, वो हमने झूठा कर दिया। कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर थोड़ी ना किया है, आपसे भूल हो गई। भूल चूक ईश्वर के सामने सब माफ है। कितनी अजीब बात है ना माँ, भूल चूक सब माफ है, लेकिन कंचन जी जिनकी कोई गलती नहीं है उन्हें सब सजा देने पर तुले। कितनी गलत बात है। आपकी मुस्कुराहट आप ही के सवालों का जवाब दे रही है। कंचन की कोई भूल ना सके, लेकिन जो मांगने जा रहे हैं वो आपको देना हमारे बस में नहीं। विशेष, अच्छा है कि आपने कंचन को नहीं मांगा। अगर उन्हें लेके आपके मन में अब भी कोई उम्मीद है तो उसे अभी से अभी निकाल दीजिए। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं नैना। जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मींचते हैं जुदा हुए कदम। जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हर दम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना।
हेलो। हाय, कैसे हो? सब ठीक है ना? आपकी दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आगे से इस मुद्दे पर इस महल में कोई बात नहीं होगी। कैसे बताएं आपको कि माँ अभी तक नहीं मानी? समझ सकती हूँ, वहां उम्मीद शायद डगमगा रही होगी, पर सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। हम दोनों जानते थे, पर अब मुश्किल रास्ता हमने चुना है तो तकलीफ तो होगी ना, निराशा भी आएगी, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि आज रात के बाद जब सुबह आएगी ना तो वो सिर्फ खुशियां लेकर आएगी, है ना? शादी राजकुमार विशेष के साथ, मगर सुहाग रात हमारे साथ मना चुकी हैं। एंगेजमेंट पर सीसीटीवी फुटेज तो तुमने देख ही ली है, अभी दूसरा तोहफा भी तुम तक पहुंच गया है। तूने मेरा फोन देखा है क्या? छोड़ेंगे नहीं उसे, हम ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। लौंडे की शादी करा चुके हो और हमसे उसके रिश्ते को लेकर के बतिया रहे हो। चलिए यहाँ से, इन ओछे लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, क्वेश्चन पेपर निकालिए। कितनी मुश्किल से क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ पता है तेरे को? हाँ तो दीजिए ना। तो पहले पैसे तो दे। पहले पैसे निकाल। मैंने आपके और अपने पास होने का इंतजाम कर लिया है। आपके और मेरे का क्या मतलब है? क्योंकि आप पढ़ाई के एग्जाम में पास होंगी और मैं मोहब्बत के। का बोले भाभी जी? इसके अंदर क्वेश्चन पेपर है, आप सारे उत्तर याद कर लीजिए, और ये है कुंजी, सारे उत्तर इसमें है। आत्महत्या का विचार लिए दामोदर को सुरक्षित करते हैं कान्हा। मुझे तुम्हारे सत्य का आभास, किंतु लोगों को तुम्हारे सत्य का तनिक भी आभास नहीं है। वो तुम्हारी बात सुने समझे, इसलिए तुम्हें एक योग्य व्यक्ति बनना होगा। कान्हा की भक्ति में लीन सुदामा को शास्त्रों का ज्ञान दिलवाने उनके माता पिता ले जाते हैं उन्हें मथादेश के आश्रम। क्या हुआ तुमको? आए आपको यहाँ काहे बुलाए? हमने तुमको नहीं बुलाया है, हमको तो खुद सृष्टि जी ने कहा कि बेजू तुम्हारा मंदिर में इंतजार कर रहा है। क्या पगलेट औरत हो तुम, अपने फोन से तुमने हमको मैसेज किया? अरे हमने नहीं किया। तुमने नहीं भेजा तो किसने भेजा बताओ? वो मैसेज तुम्हें हमने किया था। हम आज तुम दोनों की शादी करवाएंगे। हमको ये शादी नहीं करनी है। आज रात को पार्टी के लिए मैंने कुछ वेटर्स बुलाए थे, और अभी वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि उसको आदमी सोट पड़ रहे हैं। बोल। अरे हम है ना, हम आ जाएंगे, ठीक है? आज मेरा बदला पूरा हो के रहेगा अखिलेश। जिस तरह तुम लोगों ने मेरी और मेरी बेटी की बेइज्जती की, वैसे ही आज मैं तेरी बेइज्जती करूँगा। अब तक मेरे हिस्से का प्यार और परवरिश तू जी रहा था, मेरा बर्बाद बचपन और मोहताज जिंदगी का कारण तू है, मेरे हिस्से की खुशियां तू जी रहा था, और मैं तुम सब लोगों का दिया हुआ दर्द। लेकिन अब सब बदलेगा, अब वो होगा जो मैं चाहूंगा।